गाइस बिनीता ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। तो आई होप आप लोग ठीक ही होंगे और हम भी ठीक है। सुबह से सोचा एक ब्लॉग बना लूँ, तो आज गणेश पूजा भी है तो इसीलिए थोड़ा सा छोटा सा ब्लॉग बनाएंगे। तो इसलिए हम हमारा मंदिर दिखाते हैं जो गणेश पूजा थोड़ा सा किया था हमने। तो मेरा गणेश मूर्ति भी हम लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए मेरा गणेश मूर्ति कितना क्यूट सा है ना। तो मैंने एक महीने पहले लाया था बाज़ार से, तो आगे भी एक था तो वो थोड़ा सा पुराना हो गया, इसलिए नया हमने लाया है। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो आज पूजा है इनका, तो थोड़ा सा हमने पूजा भी कर लिया है, मैंने पूजा भी कर लिया है, दिया जला लिया है। तो आज नहा धो के ही काम किया है, तो अच्छा लगता है मन को भी। मेरा घर का प्लान दिखाएंगे आपको जो मैंने उगाया था, तो किसी का घर से लेके आया था। तो ये अभी अच्छा से फूल गया है, देखिए कितना अच्छा से फूल गया है, देखिए। तो ये आप लोग देखा ही होगा, मतलब 12 महीने फूलते हैं ये। तो ये मैंने सुखाया था आषाढ़ के लिए, तो थोड़ा सा धूप नहीं था इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो गया, और थोड़ा सा धूप दिया है इसलिए बाहर धूप में दिया है। तो मेरा आगे गणेश जी था, ये था, थोड़ा सा पुराना हो गया देखिए, तो भी क्यूट जैसा लगता है देखिए। तो इसको मैं ऐसे ही अलमारी में रख दिया है। तो ये हमारा घर का क्योंकि प्लेन कितना अच्छा हुआ है, तो ये पूरा फूल गया है ऊपर तक। तो घर का ऊपर तक जाने के लिए दिया था, ऊपर तक गया नहीं है अभी, तो इसमें ये पूरा फूल फूल कर ऐसे आया गया है देखिए। तो नीचे तक फूल फूला है देखिए, थोड़ा सा सूख भी गया है देखिए। तो बहुत क्यूट सा है ना। तो डेली व्लॉग बनाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता ऐसे, और मन भी नहीं करता क्या दिखाऊं वीडियो में, वो भी सोचना पड़ता है। तो इसीलिए डेली व्लॉग नहीं बनाते और 2-3 दिन के बाद ही व्लॉग बनाते हैं। तो ऐसा सोचना भी पड़ता है वीडियो बनाने के लिए और क्या बनाऊं वो भी सोचना पड़ता है, तो इसीलिए डेली व्लॉग नहीं बनाया है। तो सुबह के नाश्ते में हम बना रहे हैं देखिए, ये चावल का आटा है, तो सूजी से मिला के हम ऐसा कुछ बनाएंगे और खाने के लिए सुबह सुबह। तो देखिए, तो इसमें नारियल और गुड़ भी हम मिला लेंगे, तो इसमें देंगे अभी नारियल। तो थोड़ा सा गोल बनाया और जैसे तैसे, नहीं तो इसमें हम नारियल और गुड़ देंगे तो थोड़ा सा मीठा होने के लिए, और नारियल देने से थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे प्रेस करके गोल बनाएंगे, ज़्यादा गोल भी नहीं होगा। तो ये रेडी हो गया है, थोड़ा सा हम डिश में ला कर ऐसे थोड़ा सा पका लेंगे। तो आज दोपहर में हमने सब्जी का पुलाव बनाया है, तो देखिए ये बासमती चावल का है, तो थोड़ा सा ऐसे ही बना लिया था। ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, गाजर और बीन दिया है, तो पुलाव बन के रेडी हो गया है। मैं पुलाव बनाने के वो दिखाए नहीं, सबको पता ही है। तो इसको हम
तीनों मिलके खाएंगे, मम्मी मैं और बेटी। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए।